नमस्ते, मैं सुष्मिता भट्ट। मैं आज एक्चुअली आज से एक साल पहले मुंबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक प्रोग्राम हुआ था। तो आज इसी डेट में मैं उन क्रिएट किए हुए राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सुकन्या सुब्रमण्य भट्ट का मैं आज थोड़ा उनको उस 1 ईयर बैक का एक्सपीरियंस पूछना चाह रही हूँ। सो हियर इज अवर डॉक्टर सुकन्या सुब्रमण्य भट्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने जब भी ये रिकॉर्ड के बारे में आपने अपने स्टूडेंट्स को बताया तभी उनका फीडबैक क्या था? हमारा स्टूडेंट कभी भी पॉजिटिव सोच में ही रहता है। उन्होंने उनको इतना भरोसा है, मैम ने कुछ बोलेगा तो वो कंप्लीट करके देगा करके। मुझे विश्वास है मेरा स्टूडेंट के ऊपर, मैं कुछ करती हूँ मेरे साथ वो लोग है करके। आई थिंक इतना हम लोग सब लोग हाथ मिला के ज्वाइन करके किया है। वो फर्स्ट डे का सोच मीन्स 14 नवंबर में हम लोग को ये सोच वो ये करके दिखाया ऑलरेडी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड टोटल 6 बुक ऑफ रिकॉर्ड को किया है। तब वो उसका 10 मंथ्स बैक हम लोग सब लोग हमारा सीनियर स्टूडेंट के साथ सिंपली बात हुआ था। तभी उधर गिनेस रिकॉर्ड हो रहा है, इधर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो रहा है, उधर हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। सिंपली बातों में हम लोग को लगा हमारा राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी भी कुछ नया करके दिखाना है। तभी ऑटोमेटिकली मेरा थॉट में आया ब्लाइंड फोल्ड करके हम लोग डिफरेंटली कुछ करेगा, क्या करेगा। मगर हम लोग ऑलरेडी क्लासिकल डांसर्स है, इसके लिए मेरा थॉट में आया हम लोग कुछ भरतनाट्यम का ही करेगा। ये सोच मेरा मन में आया, तुरंत मैं स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर किया। उनका भी इतना मतलब उन्होंने बोला नहीं मैम हम लोग डेफिनेटली सब लोग मिलके करके दिखाएगा। ये वही दिन का बुना दी हमारा नवंबर 14 को हम लोग रिकॉर्ड बनाया आई थिंक। ओके, जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो स्टार्ट में आपको किस किसने सपोर्ट किया, कैसा सपोर्ट आपको मिला? ओपनिंगली एक कौन सा भी प्रोजेक्ट चलने के लिए फर्स्ट टू फर्स्ट उनके लिए बहुत तैयारी होना पड़ता है। इवन मैन पावर पहले ही चाहिए। कभी भी अभी इवन ये डांस का शो है, इसके लिए जस्ट डांस करने वाले ही नहीं है, डांस करने के लिए सिखाने वाले भी चाहिए। मैं अकेली लेडी पूरा 1000 स्टूडेंट को अकेली जाके सबको नहीं सिखा सकती हूँ। तभी क्या है मैन पावर मतलब मेरा स्टूडेंट लोग मेरा साथ पूरा दिया। सेकेंड पॉइंट, इतना 1000 स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है, हम लोग क्या करना पड़ता है अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ता है। तभी हमारा माइंड में आया था इंटरनेशनल लेवल तक ये शो करेगा करके। ये सोच आया तो ठीक है, मगर ये सोच के लिए हम लोग हर एक जगह में जाके उनका अप्रोच करना पड़ता था सब जगह में, और ये 1000 स्टूडेंट को साथ में जमा करने के लिए। सेकंड पॉइंट, ये स्टूडेंट का स्टूडेंट्स लोगों के बारे में हो गया, उनके लिए सेकेंड अपना जरूरी है इतना बड़ा अमाउंट को, क्यों इतना बड़ा शो करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट का जरूरत है। वो अमाउंट को हम लोग क्या कर सकता है मतलब किधर से डाल सकता है। तब भी स्पेशली आप सपोर्ट करके बोला वो मनी पावर के लिए स्टार्टिंग का स्टार्ट शशिधर शेट्टी वसाई रेसिडेंट ही होटल का ओनर है, उन्होंने फर्स्ट टू फर्स्ट मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैम आप आगे जाओ हमारे से कितना होता है हम लोग आपको सपोर्ट करेगा। उनका बात इतना आया मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। उसका बाद में हर एक तरीका से मुझे लगता है हर एक अमाउंट का ही नहीं इनडायरेक्टली अलग अलग तरीका से उन्होंने उनका एक्सपीरियंस का थ्रू मुझे मेरा मतलब ये काम क्लियर करने के लिए उनका हेल्प हो गया। इवन थोड़े लोग बताया देखो ऐसा लोग को मिलो इधर ये काम अच्छा हो सकता है ये काम। इवन एक शो करने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड का बाद में अलग अलग तरीका से लाइटिंग सेट म्यूजिशियन बैकग्राउंड सपोर्टर और बहुत खर्चा रहता है एक्सपेंसेस रहता है। वो एक्सपेंस के लिए हम लोगों हाँ इतना डोनेशन मिलने वाले को ढूंढने का टाइम एक हम लोग छोटा कमेटी बनाना पड़ा। वो स्पेशली वो कमेटी में भी ऐसा है चंद्रास पालन जी एंड वैष्णवी मैम मिस्टर एंड मिसेस वैष्णवी और सुजाता पालन और कलई अरसी सदानंद शेट्टी हरीश शेट्टी और बहुत लोग ऐसा ही मतलब अपने लोग ही अपने लोग मतलब हमारा स्टूडेंट्स का पेरेंट्स लोग सब लोग साथ में मिलके हम लोग एक छोटा कमेटी बना के फिर अलग 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 तरीका से हम लोग तैयार शुरू किया ये शो के लिए। हम लोग वन स्टेप बाय स्टेप काम शुरू किया था, टोटली सक्सेस हो गया।
मुझे खुशी हो रहा है, मेरा मन में लग रहा है नहीं इससे भी बड़ा कुछ हम लोग आगे जाके कर सकता है करके कॉन्फिडेंस मुझे ये प्रोग्राम का वजह से मिल गया। तो आपको मतलब 762 बच्चों ने वो दिन परफॉर्मेंस किए थे, तो उस उन वो 762 बच्चों को इकट्ठा करने में आपने कैसे किया हो उन लोगों को? स्पेशली हम लोगों पेपर का ऐड नहीं दिया, मगर फेसबुक और सोशल मीडिया का तो बहुत जगह में हम लोग ये ऑलरेडी इतना बड़ा प्रोग्राम था उनका बारे में हम लोग सोशल मीडिया में डाल दिया। अलग स्टेट का थोड़ा स्टूडेंट लोग भी आया था और हम लोग अलग अलग डांस टीचर के साथ जाके इसका बारे में हम लोग बराबर बताया, मतलब ब्लाइंड फोल्ड करके हम लोग भरतनाट्यम मार्गम में करना चाहते हैं। भरतनाट्यम में भी मार्गम मतलब अरंगेट्रम का थोड़ा आइटम्स रहता है, वो आइटम्स का थ्रू हम लोग करना चाहते हैं करके उनको हमारा बारे में हम लोग पूरा अप्रोच किया। तभी ठीक है थोड़े लोग आगे आया, थोड़े लोग को ऐसा लगा ये स्टूडेंट लोग को करने को मुश्किल है, ये सब हम लोग थोड़ा मतलब डिफिकल्टीज हो गया क्यों है ना, हम लोग को ट्रस्ट था उनका थ्रू 500 स्टूडेंट आएगा, इनका थ्रू 250 आएगा, ऐसा बहुत ट्रस्ट था अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टूडेंट के बारे में टीचर के बारे में बहुत ट्रस्ट था। बट क्या है ना ट्रस्ट का बात नहीं है, उनको भी एग्री होना चाहिए सामने से स्टूडेंट्स का पेरेंट्स हम लोग करने के लिए आएगा या अपने बच्चे को होएगा, मगर ज़्यादा लोग को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था ब्लाइंड फूड करके बच्चे लोग नहीं कर पाएगा, ये थॉट बहुत लोगों का था। ये प्रॉब्लम का वजह से अपने को स्टूडेंट लोग मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तभी कविता जागृति बिजोल ऐसा थोड़ा टीचर से और स्मिता मिस ये लोग सब लोग ज़्यादा ही अपने को सपोर्ट किया, फिर भी मुझे स्टूडेंट्स का कम गिरा। तभी हमारा स्टूडेंट लोग भी बहुत लोग पार्ट लिया, हम लोग फिर और स्टूडेंट के लिए स्पेशली हम लोग, तभी मेरा सोच आया हम लोग फ्री में भी टैलेंट का बच्ची को क्यों तैयार नहीं कर सकते हैं। फ्री में करने का ठीक है, मगर मिडिल क्लास फैमिली को फ्री का जरूरत है क्या, ये सोच आने का टाइम मुझे लगा। डेफिनेटली मुंबई का म्यूनसिपैलिटी का स्कूल में कोई मिडिल क्लास का फैमिली वाले नहीं भेजता है स्कूल के लिए, ओनली पुअर बच्चे लोग ही जाएगा। ऐसा स्कूल में जाके अपना क्लासिकल को कल्चर को सिखा के वो लोग को एक क्लासिकल कल्चर भी सीख गया, प्लस इतना बेनिफिट इसका बेनिफिट भी हो जाएगा ये शो का, ये थॉट मेरा पास मेरे साथ आया। तभी मैं क्या किया मेरा स्टूडेंट लोग के साथ मिल के हम लोग एक मीटिंग करके ठीक है हम लोग एक हमारा कैपेसिटी भी प्रूव करना था, क्यों बच्चे लोग को टैलेंट रहेगा तो हम लोग हार्डवर्क करेगा तो सिखा सकता है ये भी प्रूव करना था, प्लस वो बच्ची को भी ऐसा रास्ता दिखाने का था क्लासिकल ऐसा नहीं है मिडिल क्लास और हायर क्लास का ही ये भरतनाट्यम मतलब हायर क्लास और मिडिल क्लास के लिए नहीं है, कोई भी सीख सकता है टैलेंट का बच्चे, ये सोच में हम लोग म्यूनसिपैलिटी का 6 स्कूल में गया। तब स्पेशली रूपाली मैडम ने कॉरपोरेटर ने मुझे हेल्प किया था उनके साथ, उधर का एजुकेशन का जिलाधिकारी भी मुझे हेल्प किया था और MP गोपाल शेट्टी सर भी मुझे हेल्प किया था। ये लोग का हेल्प का वजह से मैं अलग अलग म्यूनसिपैलिटी स्कूल में जाके उधर प्रेजेंट करना पड़ा, ऐसा आपका बच्चे लोग को दे दो हम लोग उनके उनको सिखाएगा भरतनाट्यम करके। हम लोग टोटल 6 अलग अलग स्कूल से अलग अलग टैलेंटेड बच्चे लोग को लेके सिखाया, इतना सिखा के हमारा मतलब हमारा क्लास के साथ उनको जुड़ाया, प्लस उनको फ्रीली कॉस्ट्यूम दिया, मतलब वो दिन का प्रोग्राम का वो स्पेशली वो प्रोग्राम का ऐसा स्पेशल था, हम लोगों 4 कलर को यूज़ किया था, मतलब तिरंगा का कलर यूज़ किया था ग्रीन वाइट ऑरेंज एंड ब्लू, मगर ये कलर मेंटेन करना उसके लिए कॉस्ट्यूम लाना सब कुछ हर एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग को मतलब बहुत अलग अलग डिफिकल्टीज आया वो दिन में, पर आज बहुत खुशी हो रहे हैं वो ऐसा इतना डिफिकल्टीज उठाया इसके लिए आज इतना एक्सपीरियंस मिल गया मुझे बहुत खुश हो रहा है। ऐसा इतना स्टूडेंट लोग को हम लोग एक साथ में जमा किया था, स्पेशली म्यूनसिपैलिटी का ही 500 स्टूडेंट लोग मुझे मिला था। वो बोलते ना हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ विघ्न होता है, तो जब आप ये अचीवमेंट करने निकले थे तो अभी आपको किस टाइप का नेगेटिविटी मिला ऐसा बोलेगा तो आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हर दिन ऐसा लगता था, आज सुबह उठने का टाइम मैं सोचती थी नहीं आज डेफिनेटली इतना काम कर सकती हूँ, स्पेशली एक स्टूडेंट के बारे में बोली फर्स्ट टारगेट था अपना स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए जाने का टाइम ऐसा हर जगह में भी हर एक टीचर भी बोलती है नहीं नेक्स्ट वीक में बोलती हूँ नेक्स्ट वीक में बोलती हूँ, लास्ट मोमेंट में उन्होंने बोला मेरा स्टूडेंट कोई नहीं आने को तैयार है, क्यों है ना वो लोग को ब्लाइंड फोन में चक्कर आ रहा है वो आ रहा है ये आ रहा है करके बहुत स्ट्रेस हो गया वो बहुत ही मतलब हमारा ये टोटल थॉट था 550 का ऊपर
स्टूडेंट्स कंपलसरी अपने को मिलना चाहिए ये सोचता, मगर बहुत बाद में टेंशन आया, हर एक टीचर लास्ट मोमेंट में पीछे हट के आ गया, तभी हम लोग स्टूडेंट किधर से तैयार करूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पर फिर भी आप बोलने के जैसा है, हर एक काम में विघ्न रहता है, वो विघ्न को निवारण करने के लिए गणपति भी साथ में रहता है ऐसा, इसके लिए म्यूनसिपालिटी का टैलेंट है स्टूडेंट लोग को लेके, वो स्टूडेंट को कवर ऐसा किया। सेकेंड ग्राउंड, इवन इतना बड़ा शो करने के लिए अच्छा ग्राउंड भी चाहिए, ये सोच में हम लोग बहुत जगह में ग्राउंड में गया, हर एक जगह में जाएगा तो उधर इवन अपना MP गोपाल शेट्टी सर भी उनको स्टैम्प के साथ अपने को लेटर दिया था, आप जाके पूछो, मतलब बड़ा बड़ा अपना इवन गोरेगांव का बड़ा ग्राउंड था स्पोर्ट्स ग्राउंड, उसमें भी पूछा था, उसमें आप ले लो जाके करके अंधेरी का बड़ा ग्राउंड में। उधर गया, उधर जाने के बाद में उधर उन्होंने बोल रहे नहीं हम लोग बोले क्रिकेट के लिए देगा, डांस का सब नहीं दे सकता है, उधर का पिच खराब होता है। हर एक बड़ा ग्राउंड में जाओ यही सेम प्रॉब्लम, मगर मुझे फर्स्ट टाइम इतना बुरा लगा, इंडिया का एक क्लासिकल डांस हो के वो क्लासिकल डांस को ही एक जगह नहीं मिल रहा है इतना बड़ा मुंबई सिटी में, ये एक अपने को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इवन हम लोग का बड़ा लास्ट इनका इवेंट करने के लिए बहुत हर एक दिन सुबह उठ के हम लोग को बहुत दिन इसमें ही वेस्ट हो गया, हर एक जगह में जाके अप्लाई करो, उनका आंसर के लिए 4 दिन वेट करो, यही हो गया। हम लोग पे करने को तैयार है मगर अपने को ग्राउंड मिला नहीं है। कल्चर वर्जिनली आज का दिन भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुंबई में इतना बड़ा महानगरी में क्रिकेट के लिए ग्राउंड है, सब ऑलरेडी ऑल स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है, मगर एक कल्चर के लिए ग्राउंड नहीं। वही ग्राउंड शादी के लिए देगा, मगर इंडियन क्लासिकल डांस को एक परफॉर्मेंस, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इतना बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। और क्या है, ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी स्कूल, मतलब हम लोग दुनिया को मिला के, ओनली राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी अकेला नहीं है, पूरा दुनिया को मिला के सब हाथ ज्वाइन करके हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, बट एक ग्राउंड मिलने के लिए सपोर्ट सब लोग दिया बाहर से, मगर ग्राउंड वाले एग्री नहीं हो, तो ग्राउंड का कमिटी एग्री नहीं था, ट्रस्टी एग्री नहीं था, बहुत दुख हो गया। लास्ट टू लास्ट हम लोग बहिंदर में, हमारा बहिंदर में बाड़ा साहेब ग्राउंड बुक किया, कुछ भी होके उधर ही बड़ा लास्ट का फंक्शन उधर ही चलना चाहिए था लगता है, इसके लिए उधर ही हो गया, मगर ग्राउंड के लिए हम लोग बहुत तकलीफ उठाया स्टूडेंट एंड ऑलरेडी एक्सपेंसेस। हमारी जैसा मिडिल क्लास का टीचर को डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए डेफिनेटली मुश्किल है, मगर सब लोग क्या बोलता है ना, एक छोटा छोटा ड्रॉप का वाटर की जैसा हेल्प किया, बड़ा शो अच्छी तरीके से खत्म हो गया। आपने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इतना बड़ा रिकॉर्ड किया, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एनकरेज देना चाहोगे? हर एक आदमी भी अपना अचीवमेंट या टारगेट कंप्लीट करने के लिए हार्ड मेहनत करना ही पड़ता है, मगर वो इतना बड़ा टारगेट हम लोग फिनिश करने के लिए छोटा छोटा टारगेट को भी फिनिश करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन इतना बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है, मगर उन्होंने ऐसा काम किया है, हम लोग को कभी भी उनका एक्सपीरियंस नहीं पूछता है, आप इतना बड़ा हीरो के लिए क्या किया रहेगा कोई नहीं पूछता है, बट हम लोग 8 घंटा काम करता ही हो तो पर दिन वो लोग 18 घंटा काम करते हैं, इसके लिए उन्होंने बड़ा हीरो हो गया। हम लोग ओनली 24 आवर्स में 8 आवर्स ओनली यूज़ करते हैं, ऐसे ये प्रोजेक्ट भी ऐसा है। हमारा तौर था बड़ा टारगेट, डेफिनेटली आपने के लिए वो बहुत बड़ा टारगेट था, अभी तक कोई नहीं किया था ऐसा एशिया बुक ब्लाइंड फोल्ड में, कोई नहीं किया था, ब्लाइंड फोल्ड का डांस ही नहीं हुआ था स्पेशली, हम लोग उसमें भी 762 बच्चे लोग को एक साथ में मिलाया, प्लस 1 आवर कंप्लीट किया, 1 आवर एंड 10 मिनट्स कंप्लीट किया ओपन ग्राउंड में, इतना ये बहुत बड़ा ही था अचीवमेंट। मगर इतना करने के लिए हर एक हम लोग इतना ही फर्स्ट टू फर्स्ट सोचा, आज का काम इतना हो गया, इससे ज़्यादा कल ज़्यादा करती हूँ, उससे भी ज़्यादा परसों करती हूँ, ये होप्स में मैं अकेली नहीं, मेरा फुल टीम, इवन मेरा फैमिली रहने दो, मेरा स्टूडेंट लोग रहने दो, सब लोग साथ में ऐसा एकदम यूनिटी पंच पांडव की जैसा हम लोग काम किया था, इसके लिए वो सक्सेसफुल हुआ। ओके, नमस्ते, हम राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी से, मैं तन्वी शेट्टी, मैं वृषा पुजारी, मैं महिमा पुजारी, मैं कृषा पुजारी, मैं समृद्धि साधन, जागृति सुवर्ण। लास्ट ईयर यही टाइम पे आप लोग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब गिनीज बुक में नाम आया था, एशिया बुक में रिकॉर्ड बुक में नाम आया था, तो आपको कैसा फील हुआ? Thank you.
स्टार्टिंग में आपको कैसे था, स्टार्टिंग में आपको कैसे लगा, स्टार्टिंग में जब मिस ने आपको इंट्रोड्यूस किया था करके ये सब होने वाला है करके, तो आप लोगों को कैसे फील हुआ था? फर्स्ट तो ये इधर विष्णु मंदिर में हम सीनियर बच्चे मिलके प्लान किए थे कि ऐसा प्रोग्राम करेंगे, तो मिस ने पहले बोला था, तो ऐसा श्योर था ही नहीं कि हो सकता है, बट फिर हमारी दीदी है, आज आई नहीं है, वो हमसे बड़ी है बहुत, वो उन्होंने मिस को बोला था कि हाँ मिस आप एक बार बोल रहे हो तो कर लोगे, कैसे भी करके हो जाएगा, अश्वितक का आज आई नहीं है, तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले तो हम क्लास के बच्चों से ही स्टार्ट किए, बच्चों को इकट्ठा करना स्टार्ट किए, कुछ बच्चे आए कुछ बच्चे नहीं आए, और फिर और हमारा जो लिमिट था वो 1000 बच्चों का था, हमें 1000 बच्चे चाहिए थे, फिर हम बाहर के बच्चों पे अप्रोच करना चालू किए, ऐसे बाहर के एकेडमी में गए और बहुत जगह देखा, और बाद में हम प्राइवेट स्कूल्स में भी ट्राई किए, प्राइवेट स्कूल में भी 3-4 स्कूल्स में ट्राई किए, लेकिन कोई रेडी नहीं था, मतलब किसी को भरोसा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है करेंगे करके, फिर लास्ट में कोई ऐसा बच्चे फिर हमें लास्ट में चाहिए थे, कम पढ़ रहे थे, फिर लास्ट मोमेंट हम म्यूनसिपैलिटी बच्चों के पास गए थे, जब आई गेस अक्टूबर के टाइम पे, हम जब एक महीना बाकी था तभी हम म्यूनसिपैलिटी बच्चों के पास गए थे, फिर वो बच्चों को जमा करके मिस बहुत भाग गई है, एक तो उन लोग का गवर्नमेंट वालों का लेटर लो, म्यूनसिपैलिटी वालों का लेटर लो, परमिशन मिलता नहीं है बच्चों को लेने के लिए, और नेक्स्ट जैसे ब्लाइंड फोल्ड मतलब एक ये होता है ब्लाइंड फोल्ड में, अभी मैंने ट्राई किया तो उसमें मतलब एकदम इम्पॉसिबल ब्लाइंड फोल्ड में करना, तो आप लोग ने मतलब कैसे मैनेज किया वो करना? जैसे डांस सिखाना हमारे स्टूडेंट्स को ईजी था, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लाइंड फोल्ड के साथ किया तो बहुत सारे रीजन्स आने लग गए, मुझे सर दुख रहा है, मुझे चश्मा है, मुझे चक्कर आ रहा है, फिर हमने मिस को बताया, फिर मिस आई, मिस ने उनको बताया, उनको आइडियाज़ दिया कि आँख ऐसे ओपन मत किया करो, अगर ब्लाइंड फोल्ड बांधने के बाद आईज ओपन मत किया करो, और फिर मिस ने उन्हें समझाया कि तुम लोग ट्राई करो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, उससे होगा, फिर उन्हें प्रैक्टिस करते रहे, फिर हो गया। आप लोग कुछ बोलना चाहते हो मिस के लिए, अचीवमेंट के लिए, और आप लोग हमारा अचीवमेंट कुछ नहीं है जो थैंकिंग लाइक मिस को थैंक्स बोलना चाहते हो, या पेरेंट्स प्राउड रहते हैं स्टूडेंट्स के, वैसे हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी मिस डॉक्टर सीखा क्या बढ़ गया, एक नहीं बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है, और बस ऐसा नहीं कि सिर्फ डांस क्लास में सीख के वही यूज़ हो रहा है, कॉलेज में घर में वही कहीं भी लाइफ में बहुत यूज़ कर रहा है हर एक एक्सपीरियंस, सो वी आर थैंकफुल मैम कि हमें सिर्फ डांस नहीं सिखाया जाता है, हमें बाहर लाइफ कैसे जीना चाहिए, मॉरल वैल्यू सब सिखाते हैं मिस, तो ऐसा नहीं है कि डांस क्लास में ही सिखाया, डांस क्लास में ख़त्म हो गया, बाहर जा के भी हमारा जो बाहर का दुनिया है उधर भी बहुत काम आता है, हेल्पिंग हैंड वाले लोग के लिए थैंक यू कुछ बोलोगे? हाँ बहुत थैंक यू है हमारे पेरेंट्स कमेटी मेम्बर्स में जितने भी सब लोग थे, और उस दिन NSS वाले कुछ स्टूडेंट्स थे, और कविता मैम, मैत्री मैम, स्मिता मैम, इन लोगों को बहुत थैंक यू, कि उस टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, इतना सारा काम था कि कोई लिस्ट नहीं था, और लिस्ट था तो उसका एंड नहीं था तो बहुत टीचर्स ने बहुत हेल्प किया हम लोग को उस टाइम पे, अगर कोई पेरेंट्स आके उनको कुछ प्रॉब्लम, हम नहीं बात कर पा रहे थे तो कविता मैम इन लोग सब आके बात कर रहे थे कि हम बात करते हैं, रुको तुम लोग ऐसा, तो सब टीचर्स को सब पेरेंट्स को थैंक यू हमारे तरफ से, स्पेशली हमारे जो छोटे छोटे जूनियर्स हैं ना उनको भी। और एक पॉइंट आपको बताना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि रिकॉर्ड होगा ही नहीं, तुम लोग बस बोल रहे हो ये सब कि जो भी अरेंजमेंट किया ये सब होने से ही रहा है, तो हम लोग तुम लोग को देखने आएंगे कि तुम लोग का रिकॉर्ड कैसे ख़राब हो रहा है इधर, तो फिर ये हम लोग के लिए भी एक चैलेंज था, टीचर्स लोग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी इसमें हेल्पिंग हैंड्स है सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको हम लोग रॉन्ग प्रूव कर रहे, और हम लोग ने करके भी दिखाया, और ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुकन्या मैम ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, उसके साथ सब स्टूडेंट्स ने, हम टीचर्स ने और हमारे स्टूडेंट्स ने सब ने भी बहुत मेहनत की है। जब भी मिस ने पहली बार बताया था तो
ऐसा लगा था कि ऐसा पॉसिबल है, हो पाएगा, एक घंटा बच्चे लोग ब्लाइंड फोल्ड के साथ कर पाएंगे, पर मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि हाँ कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. द वर्ड इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल. सो अगर हम ठान लें तो हम कर सकते हैं. मैंने यही चीज़ अपने बच्चों को समझाई. सुकन्या मिस भी आए थे बच्चों को समझाने के लिए और बच्चे लोग ने भी हिम्मत बहुत दिखाई. हम जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे बच्चे लोग का परफेक्शन आता गया और उनको भी लगने लगा कि हाँ हमसे भी हो पाएगा. तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. बच्चे लोग रोज दो दो तीन तीन घंटा जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी वजह से उनका डांस इम्प्रूव हुआ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और ऐसा भी हुआ कि वो लोग ब्लाइंड फोल्ड के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं जो वो लोग विदाउट ब्लाइंड फोल्ड करते हैं वो भी. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. और दूसरे काफ़ी सारे टीचर्स उनके बच्चे लोग डर गए कि नहीं कर पाएंगे, बट अगर उन्होंने भी थोड़ी हिम्मत की होती तो आज उनके पास भी वो रिकॉर्ड होता जो हमारे पास है. सो आगे कभी भी ऐसा कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए तो प्लीज़ उसे ग्रैब कर लीजिए. अपॉर्चुनिटी डजंट कम एवरी टाइम. सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का. सब बच्चों ने पेरेंट्स से बहुत कोऑपरेट किया और सब ने मिल के हमने ये सक्सेसफुल इवेंट कंप्लीट किया. थैंक यू. हाय, हेलो एवरीवन, मैं जागृति मोदी फ्रॉम बोरीवली. मेरी स्टूडेंट्स लोग ने भी पार्ट लिया था. आज 14th नवंबर 2020 यानी 2019 में 14 नवंबर को यही दिन पे हम लोग ने एशिया बुक और इंडिया बुक का रिकॉर्ड ब्रेक किया था. कितना मज़ा आ रहा था, कितनी आज भी वो मेमोरी हम लोग याद करते हैं. वो भी जो उन लोग का जो सॉन्ग्स था, जो स्टेप्स थे, आज भी हम लोग याद कर करके वो प्ले करते हैं, एकदम सब कुछ याद करते हैं. ठीक है, आज एक साल कंप्लीट हुआ, लेकिन एक साल ऐसे बीत गया जैसे लगता है जब भी हम लोग ने कल ही किया हो वो फंक्शन. और इतना हम लोग ने अच्छी तरह से एंजॉय किया, इतना अच्छी तरह से एक एक्सपीरियंस मिला कि लाइफ में आँख से देख के तो हर कोई कर सकता है, लेकिन एक घंटा 20 मिनट आँखें बंद करके कैसे बच्चे लोग ने किया, दैट वॉज द इम्पोर्टेंस. पहले काफ़ी डिफ़िकल्टी आई पेरेंट्स लोग को मनाना. पेरेंट्स लोग भी सोच रहे थे कि बच्चे लोग एक घंटा 20 मिनट विथ कॉस्ट्यूम हाउ दे विल डू, एंड दैट इज़ ऑल्सो इन द ओपन ग्राउंड. ओपन ग्राउंड में वो लोग कैसे करेंगे विदाउट एनी फैन, एसी, कुछ भी, लेकिन फिर भी इंडिया का मैप पूरा सुकन्या मैडम ने वो करवाया था, पूरा उसका कोरियोग्राफी वो करवाया ड्रॉ करवाया था इंडिया के मैप के अंदर. इतना अच्छा 3 कलर के ड्रेस के अंदर इतना अच्छा बेखूबी से इतना अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया था और सिलेक्ट करके सबको कॉस्ट्यूम दिया था. बहुत से जन तकलीफ भी आई हम लोग को, 8 बजे को बुला के हम लोग को 9 बजे 10 बजे चालू होता था रिहर्सल, धूप हो जाती थी ओपन ग्राउंड में, लेकिन फिर भी वो दिन हर पल हम लोग को इतना याद आता है. ट्रैवलिंग करना, हंसी मजाक करना, सबके साथ मिलजुल के टिफ़िन खाना, गॉसिप करना, प्रैक्टिस करना, डिफ़िकल्टी बहुत आई लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने किया, बहुत एंजॉय किया. और एक लाइफ का इतना बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि इसके ऊपर से हम लोग आगे अभी इससे भी टफ क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं. लेकिन सुकन्या मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, कार्तिक सर का भी जितने इतना अच्छा कोरियोग्राफ किया था, इतना अच्छा हम लोग को वो करवाया. सेकेंड थिंग, पूरे उनके एंटायर टीम यानी जितने भी उनके स्टाफ की लड़कियाँ है, फ्रुशा है, दूसरी बहुत सारी लड़कियाँ है जिन्होंने हम लोग को बहुत सारी हेल्प की. और एनीवे, शॉर्ट एंड स्वीट, थैंक यू वेरी मच. इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, वी लव, बहुत अभी भी याद आता है, वी लव. थैंक यू सुकन्या मैम, बाय. दीपावली की शुभकामनाएं बच्चों को, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं, राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी की जन्मदिन की शुभकामनाएं. राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी की फैमिली, श्रीमती सुकन्या भट्ट, श्री सुब्रमण्य भट्ट, विष्णु और कार्तिक भट्ट, इन लोगों को भी शुभकामनाएं. एक वर्ष की इतिहास, एक वर्ष के पूर्ण होने पर एक इतिहास रचा गया था जो राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी के सुनहरे पन्नों पर लिखा गया है. एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड
में नाम दर्ज करा था। 700 बच्चों के ऊपर, 700 से ज़्यादा बच्चे ब्लाइंड फोल्डेड यानी आंखों पर पट्टी बांधकर एक घंटे से भी ज़्यादा का भरतनाट्यम का नृत्य प्रस्तुत करने का जो इतिहास रचा था उसको एक साल पूर्ण हुआ। ऐसे लगता है जैसे एक साल नहीं कल ही हुआ हो रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वो राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी के फाउंडिंग मेंबर श्रीमती सुकन्या भट्ट सुब्रमण्यम भट्ट को। खासकर इन्होंने जितनी मेहनत की वो हमने सब करीब से देखा था। उनका दृढ़ निश्चय ही उनको इस इतिहास रचने की काबिलियत दी। उसको कंप्लीट करने के लिए जो उन्होंने मेहनत किया वो मेहनत रंग लाई। हम सभी उस प्रोग्राम में डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली शामिल होकर हमने सब इस प्रोग्राम का अनुभव भी लिया और उसे एंजॉय भी किया। हम सब खुश हैं कि हमारे बच्चे राधा कृष्ण नृत्य अकेडमी के और खासकर श्रीमती सुकन्या गुरु श्रीमती सुकन्या भट्ट के मार्गदर्शन पर भरतनाट्यम का ट्रेनिंग भी हो रहा है उनका और उनको ट्रेनिंग के अथवा एक अच्छा इंसान बनने का भी ट्रेनिंग मिलता है। हम सभी खुश हैं, धन्यवाद देते हैं श्रीमती सुकन्या भट्ट और सुब्रमण्यम जी का। थैंक यू। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಐ ಎಮ್ ಅ ಸಿಂಗರ್, ಕಂಪೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದೇ ದಿನ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಭಟ್ರವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅರೌಂಡ್ 1000 ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ 1.5 hours ಆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೀಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ತುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ, ತುಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಸುಕನ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಇದೇ ದಿನ ಹೋದ ವರ್ಷ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ವಿಯೆಟ್ನಮೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಬ್ರೋಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಟು ಹರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ ಅಗೇನ್. ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಚೀವ್ಡ್. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನವಂಬರ್ 14, 14th, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ 14th ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೌಂಡರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಈ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ.
ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಳ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಾರಾನಾಥದ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾ ನಾಮ ಹರಕ್ಕೆ ಜಬಾನ್ ಬನೆ ಕ್ಯೂಕಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆ ಜೋ ಗಯೆ ಸಾಲ್ ಮೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಪರ್ 14 ನವಂಬರ್ ಕೋ ಆಜ್ ಪೂರಾ ಏಕ್ ಸಾಲ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಉನ್ ಬಚ್ಚೋ ನೆ ಆಂಖೋ ಮೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂಧ ಕರ್ ಜೋ ಕಾಬಿಲೆ ತಾರೀಫ್ ಕಾಮ ಕಿಯಾ ಹೈ आंखों में पट्टी बांध कर डांस करना बहुत बड़ी बात है जो उन बच्चों ने करके दिखाया. उनके पीछे सर्वे सर्वे जो श्रेय जाता है हमारे श्री सुकन्या भट्ट जी को, श्रीमती सुकन्या भट्ट जी को. उन्होंने ऐसे हजारों बच्चों को ट्रेनिंग देकर एक हमारी हिंदू संस्कृति की परंपरा को कायम रखने का काम किया है. इस एक वर्ष पूरे होने पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सुकन्या भट्ट जी को मैं धन्यवाद देता हूँ. आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और हमारे देश की संस्कृति को और आगे बढ़ाए. आपका नाम पूरे विश्व में हो, ऐसे में ईश्वर से शुभकामना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए. धन्यवाद. यही राधाकृष्ण विद्या अकादमी जो एक अच्छे संस्थाओं में से एक भरतनाट्यम को एक अलग रूप देके गया वर्ष में सन 2019 में चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर को जो प्रोग्राम किया गया जिसमें हजार बच्चे एक साथ भरतनाट्यम किया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा के जो सिस्टमेटिक जो बच्चों ने जो प्रोग्राम अरेंज किया गया सुकन्या भट्ट जी से काबिले तारीफ है. इसका हम खुद विटनेस रहे हैं. कई मान्यवरों के साथ हम भी रहे वहाँ पे, हमने आई विटनेस रहे. बहुत सिस्टमेटिक वे से जो किया गया ये इस बात को एक साल होकर ये चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उनको शुभकामनाएं देंगे. एक साल पूरा हो गया, आगे भी वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा ये हज़ार बच्चों के अलावा और भी लाखों बच्चों के साथ उनका योगदान समाज को मिले, यही शुभकामनाएं हम देते हैं. थैंक यू.